بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة متفق عليه। एक छोटी सी हदीस अभी आपके सामने पढ़ी गई है जिसके रावी सहाबी रसूल हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में पाई जाती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे फरमाया, उमर क्या तुम्हें ये बात मंजूर नहीं, ये बात खुश नहीं करती कि इन लोगों के लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत हो। ये बात प्यारे नबी ने कब इरशाद फरमाई, जब एक मरतबे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन प्यारे नबी के हुजरे में और आपके घर में दाखिल हुए, देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, बिल्कुल मामूली सा बिस्तर है, ठीक से तकिया भी मुयस्सर नहीं है और सोकर जब प्यारे नबी जागे हैं तो हसीर के निशानात आपके गाल पर, आपके बदन पर, यानी आज की तरह से गद्दियां निहालियां ऐसी कोई चीज नहीं, हसीर पे सोए हैं, हसीर के निशानात आपके चेहरे मुबारक पर, जिस्म मुबारक पर। ये मंजर देखकर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह वान रोने लगे, हजरत उमर को रोना आ गया। प्यारे नबी ने पूछा, उमर क्यों रो रहे हो? हजरत उमर ने कहा कि क्यों ना रो अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा को देखिए, कैसे मजे की जिंदगी, कैसी आराम की जिंदगी वो गुजार रहे। कैसर और किसरा, ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था, रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता है। तो हजरत उमर ने कहा, क्यों ना रो मैं, कैसर और किसरा को देखिए कि कैसी मजे की जिंदगी और आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप अल्लाह के हबीब, अल्लाह के चहीते बंदे, आपकी गुर्बत और नादारी का ये आलम के तकिया भी ठीक से मुयस्सर नहीं, ये चीज मुझे रुला रही है। तब प्यारे नबी ने हजरत उमर को तसल्ली देते हुए फरमाया था, أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ कहा कि उमर क्या तुम्हें ये बात मंजूर नहीं, कैसर और किसरा के लिए दुनिया और दुनिया की नेमतें हो, हमारे लिए आखिरत और आखिरत की नेमतें हो। फिर आपने फरमाया, माली वलिद दुनिया। कहा कि उमर मुझे दुनिया से क्या लेना देना है, इस दुनिया में मेरा जो कियाम है उसकी हैसियत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई राहगीर, कोई मुसाफिर राह चलते हुए थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के नीचे आराम कर लेता है और फिर उठ के वो अपनी मंजिल की तरफ चल देता है, रवान दवा हो जाता है। तो ये मुसाफिर आराम करने के लिए थोड़ी देर जो दरख्त के नीचे लेटता है, दुनिया में मेरे कियाम की हैसियत भी बस इतनी ही है। भाइयों, अजीम हदीस है, अजीम हदीस है जो हम सबको ये पैगाम देती है कि दुनिया की महरूमी ये महरूमी नहीं है। दुनिया में काफिर है जो पाने के लिए आता है, मोमिन खोने के लिए आता है। जो यहां जितना खोएगा वो वहां उतना पाएगा। दुनिया से हमारा ताल्लुक, दुनिया से हमारा रिश्ता, अल्लाह नवाज दे तो नेमत है, उसका एहसान है, उसका शुक्र है,
और अगर अल्लाह ना नवाजे तो ये महरूमी इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह हमसे नाखुश है। मोमिन के नसीब में महरूमियां आएंगी ही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मेयारे जिंदगी आपका था कि तकिया भी बिस्तर भी ठीक से आपको मुयस्सर न था, ये मेयारे जिंदगी देखो आपने चाह कर अपनाया। आपके फखरो फाके की खसूसियत यह थी कि आपका यह मेयार आपका चाहा हुआ आपका मांगा हुआ मेयार है। एक है कि मैंने बहुत कोशिश की दुनिया पाने के लिए, दुनिया नहीं मिली मैं सब्र कर लेता हूं, यह अलग बात है। एक है कि मांग कर यह मेयार जिंदगी लिया जाए। प्यारे नबी के फखरो फाके की खसूसियत यही थी, आपका मेयार जिंदगी आपका मांगा हुआ आपका चाहा हुआ। कैसे? हदीस है, बाज़ रिवायतों में आता है, जिब्रील अमीन आए प्यारे नबी के पास, आके कहा कि ऐ मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको इख्तियार दे रहा है, आप क्या बनना पसंद करेंगे? मलिक रसूल और अब्द रसूल, बादशाह और रसूल, या फिर अल्लाह के एक आम बंदे और रसूल, क्या बनना पसंद करेंगे आप? बादशाह और रसूल, बादशाहत के साथ रिसालत, या फिर अब्द रसूल एक आम से बंदे बंदगी के साथ रिसालत। तो प्यारे नबी ने जवाब देने से पहले हजरत जिब्रील से ही मशवरा किया, क्या जवाब दूं आप ही बताइए। जिब्रील ने इशारा किया अपने हाथ से, कहा कि तवाज़ो, कहा कि मोहम्मद तवाज़ो इख्तियार कीजिए। तब प्यारे नबी ने कहा अब्दर रसूल, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मैं अल्लाह का एक सादा सा बंदा और उसका रसूल बनना चाहता हूं, रसूल बना रहना चाहता हूं। देखिए आसमान से आने वाली वही बार बार आपसे कहती थी, अगर आप चाहें तो ये उहद का पहाड़ है हम आपके लिए उसे सोने का बना देंगे। प्यारे नबी ने कभी इन सब चीजों की ख्वाहिश ना की। आपकी दुआ थी, क्या मांगते थे जानते हैं? اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا, कहा कि ऐ अल्लाह आले मोहम्मद को वो रिस्क दे जो कूत हो। कूत किसे बोलते हैं? कूत ला यमूत, इतनी रोजी कि बस जिससे जरूरत पूरी हो जाए, एक्स्ट्रा ना हो, एक्स्ट्रा कोई चीज ना हो। कहा اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا, अल्लाह आले मोहम्मद को कूते ला यमूत अता फरमा, इतनी रोजी दे के बस जरूरत पूरी हो जाए। इसीलिए आपका जो मेयारे जिंदगी था वो आपका मांगा हुआ और आपका चाहा हुआ। आप अगर चाहते तो आप और दुनिया से अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर करते, दुनिया के खजाने आपके कदमों पे बह सकते थे। पर प्यारे नबी ने, चूंकि आप नबी थे और नबी की शख्सियत पूरी इंसान पूरी तारीख की सबसे अजीमत वाली शख्सियत हुआ करती है, इसलिए आपने कुर्बानी के पहलू को तरजीह दी। तो यह हदीस हम सबको बताती है कि दुनिया में ये जिंदगी एक सफर है, मंजिल आखिरत है, मंजिल कब्र है, मंजिल मौत है, इस मंजिल पे सभी को पहुंचना है। और याद रखिए कि सफर और मुसाफिर का कानून यह है, जिस मुसाफिर के पास सामान्य जिंदगी जितना कम होगा उसकी रफ्तार उतनी ही तेज होगी, और जिसका सामान्य सफर ज्यादा होगा उसकी रफ्तार भी उसी कदर धीमी हो जाएगी, वो बोझल हो जाएगा।
इसलिए जिंदगी जब सफर है और आखिरत की मंजिल की तरफ हम सब रवा दवा हैं, तो कोशिश ये करे कि अपने ऊपर दुनिया इतनी ना लाद ले कि जिससे हमारी और आपकी रफ्तार मुतासिर हो। इन सब बातों का ये मकसद हरगिज नहीं कि मोमिन को दुनिया में मेहनत नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए, तरक्की नहीं करना चाहिए, ये मतलब नहीं। हाँ, मेहनत करो, कमाओ, शरीयत कभी रोकती नहीं। शरीयत ये कहती है दुनिया तुम्हारे हाथ में रहे, उसे दिल में जगह मत दो। दुनिया जितनी भी मिल जाए, कहां रहे वो, तुम्हारे हाथों में रहे, उसे बस दिल में जगह ना दो, उसकी मोहब्बत को दिल में बैठने ना दो, और तो फिर ये दुनिया तुम्हारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। अगर वो दिल में बैठ गई तो फिर तुम्हारा बड़ा नुकसान करेगी। रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको, आप सबको दुनिया से प्यारे नबी ने और आपके जलील कदर सहाबा ने जैसा ताल्लुक रखा, दुनिया से वैसा ही ताल्लुक रखने और उस्तवार करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।